नमस्ते, मेरा नाम गौरी है और मैं फिलहाल यूएसए में हूँ। और मैं सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल के करीब जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से को आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी, किस्सा हमारे जीवन में अभी जो रिसेंटली बीता है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ ये बात बोलना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली सितंबर 4, 2024 में मेरी मम्मी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा कैसा था, जो कि जीवन और मरण को लेकर था, मैं आप लोगों के साथ वो ओरिजिनल क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। आप लोग जरूर से देखिए और ये वीडियो जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचाइए। मेरा ये वीडियो बिल्कुल अनलॉक रहेगा, आप लोग जितना चाहे उतना ज्यादा इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सब लोग तक पहुंच सके और जागरूकता फैल सके। और साथ में इस वीडियो के थ्रू काफी सारा लोगों को धन्यवाद भी प्रकट होने वाला है। इसीलिए तो पहले तो आप इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। चाहती हूँ कि बीच बीच में जो फोटोज आ रहे हैं वो बहुत सारे फोटोज ऐसे हैं जिसमें उनकी हमने थेरेपी करवाई, मैं तुरंत के तुरंत इंडिया पहुंची थी, तुरंत के तुरंत मेरा भाई श्रेया सोनी पहुंचा था और ये सारा काम एक टीम वर्क के रूप में हुआ था। टीम वर्क और परिवार का साथ अगर नहीं होता है तो इंसान जल्दी रिकवर नहीं हो सकता है। और ये बात बिल्कुल 101% सत्य है या फिर 2000% सही है कि ईश्वर सत्य है। अगर आप ईश्वर से जो भी मांगेंगे इस दुनिया में वो सारी की चीजें तुरंत के तुरंत आपको मिलेंगी। मैं सच कह रही हूँ, भगवान की प्रोसेस पे भरोसा रखिए। ये सारी चीजें ऐसी मिरेकल और जादुई रूप में होती हैं। ये आज मैं आप लोगों के साथ ये मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सच में थेरेपिस्ट का काम, हम लोगों का काम, हम लोगों की दुआ। और सच्ची बताऊं, ये सारी चीजें अगर प्लस पॉइंट में मिलती हैं पेशेंट को तो पेशेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता है। वो सारी की सारी ये ओरिजिनल क्लिप्स मैं आज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। काफी टाइम से आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को के ऊपर क्या बीत रही थी और एज अ पेशेंट इन पेशेंट के ऊपर क्या बीत रही थी, उसके जीने की चाह बढ़ने लग जाती है। तो सच बताऊं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें प्रेरित करें और उन्हें भी ये पॉजिटिव रूप में मिले, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सभी से मेरी ये गुजारिश है और मैं ये निवेदन करती हूँ, मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि वाकई में ईश्वर है और उसकी ताकत है। वो ताकत हमें देखने को मिलती है अपने बच्चों के रूप में, डॉक्टर के रूप में। मैं मरने की स्थिति में पहुँच गई थी, डॉक्टर ने वाकई में बोल दिया था 2-4 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी। मैं खड़े होने लायक की स्थिति में भी नहीं थी 1 महीना पहले, पर आज मैं स्वयं किचन का काम करने लगी हूँ और खड़े होके अपने आप चलने भी लग गई। बिना वॉकर के मैं चल नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं होने की स्थिति में थी, इतना मुझे भयंकर ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से ईश्वरीय रूप में मेरी बड़ी बेटी गौरी
और मेरे दामाद जी जिन्होंने सजेस्ट किया कृति डॉक्टर कृति को, और उस फिजियोथेरेपी की वजह से मैं एक महीने में बहुत बहुत चेंज आ गया मेरे अंदर। मैं वाकई में अपने बलबूते पे सारा कार्य करने लगी हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ दिल से जो मेरे को कृष्ण रूप में मिला है श्रेयांश मेरा बेटा, और मैं सभी के आभारी हूँ जो ईश्वरीय रूप में मुझे प्राप्त हुए, मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरी बड़ी दीदी, उसकी पोती ऐश्वर्या, जिसने वाकई में साक्षात आके मुझे बचाया है, नहीं तो बहुत मुश्किल था मेरा बचना, और इन सबको इन सब के लिए मैं दिल से आभारी हूँ वाकई में। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मुझे ताकत मिली फिजियोथेरेपी की वजह से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मैं आभार दिल से आभार मानती हूँ कि मुझे एक नई जिंदगी दी इन सब ने मिलके, और मॉरल सपोर्ट दिया मेरे बच्चों ने।